Let's now do question number 4. In question number 4, we have to solve a riddle. और इस riddle को solve करना है. और क्या given है इस riddle में? I am a number. Tell my identity. Take me 7 times over and add 50. To reach a triple century, you still need 40. So a statement like this is given. This is written in a poetic way. तो हमें इस रिडल को सॉल्व करना है. हमें पहले मैथमेटिकल इक्वेशन बतानी है और हमें ये बताना है कि ये नंबर क्या होगा. सो जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं दे आर ऑल लाइक मैथमेटिकल रिडल्स ओनली. तो हमें इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व किया. हम सबसे पहले नंबर को ही क्या एज्यूम कर लेंगे, एक्स. सो लेट द नंबर, आई एम अ नंबर, लेट दिस नंबर बी एक्स. वी हैव टू टेल इट्स आइडेंटिटी, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस नंबर. व्हाट इज दिस नंबर? तो हमने पहले इस नंबर को एक्स एज्यूम कर लिया. And next it is written as take me 7 times over. Now 7 times over means we have to multiply this number by 7 and add a 50. Add a 50 means we have to add 50 also. And in next line what is written? To reach a triple century you still need 40. Or एक ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए हमें इसमें 40 और रिक्वायर्ड है. अगर हम इसमें 40 और एड करेंगे वी विल गेट अ ट्रिपल सेंचुरी. So if we add 7x plus 50 and a 40 more if we add, we will get a triple century. तो इस तरह से हमें equations form करनी है इस riddle को solve करने के लिए. Once the equation is formed, we can easily find the number that we are supposed to find here. So let's see how can we solve it. So this is all rough calculation that I have written here. लेकिन हम इसे statement form में कैसे करेंगे? Let the number be x. So we'll assume the number as x. So we'll assume the number to be x here. Now according to question, we can straight away form the equation. According to question, what is given to us? If we take 7 times over this number, if we multiply this number to 7 and add 50, we still need 40. To get a triple century, that means अगर हम इसमें 40 और add करें, we will get a triple century. Triple century means 300. So हमारे पास ये same equation form हुई जो हमने यहाँ पे लिखी थी. तो यहाँ पे मैंने roughly लिखा है, with each statement I have formed some expressions and equation here. तो यहाँ पे हमने directly according to the question ये equation बनाई है जैसा हमने बाकी सभी questions में किया. Now we can एड दिस 50 एंड 40 बिकॉज दोनों कॉन्स्टेंट है. तो लेफ्ट हैंड साइड पे 40 प्लस 50 क्या हो जाएगा हमारे पास 90 एंड ऑन राइट हैंड साइड वी है 300. इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल हमें एक्स्ट्रा टर्म्स को शिफ्ट कर रहे हैं. तो एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास यहाँ पे कितनी, टोटल टू टर्म्स है. एक्स्ट्रा टर्म इज दिस 90 है. सो इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस वी शिफ्ट दिस 90 टू द राइट हैंड साइड. तो इस 90 को जब हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे इट विल बी सब्ट्रैक्टेड हेयर बिकॉज यहाँ पे ये प्लस है और राइट हैंड साइड जाके ये माइनस हो जाएगा. सो व्हाट वी गेट 7x इज इक्वल्स टू 210 हियर. नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हमें 7 को भी शिफ्ट करना पड़ेगा राइट हैंड साइड. लेट मी डू द कैलकुलेशंस ऑन दैट पार्ट ऑफ द बोर्ड. तो 7 को जब हम शिफ्ट करेंगे टू द राइट हैंड साइड तो 7 यहाँ पे 7 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो 7 इज मल्टीप्लाई टू एक्स. व्हेन वी शिफ्ट दिस 7 टू राइट हैंड साइड इट विल बी डिवाइडिंग दिस 210. तो यहाँ पे 7 डिवाइड करेगा 210 को. नाउ वी कैन कैंसिल इट आउट. 7 वन्स आर 7, 7 थ्रीज आर 21 एंड वी हैव 10 हियर. तो वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 30 हियर. सो द नंबर दैट इज रिक्वायर्ड हियर इज 30. देयरफॉर required number is equals to 30. And you can check also क्या ये answer correct आएगा. जैसे मैंने पिछले सभी केसेस में आपको बताया हम यहाँ पे भी verify कर सकते हैं but there is no need. अगर आपकी equation सही है और method आपने correctly apply किया है you will always get the right answer. So that's all for this lecture. With this lecture our exercise 4.4 and chapter 4 is also completed. Thank you so much.